नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वर्जन इंग्लिश गुरुकुल में। मैं आपको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कैसे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है और हर एक वर्ड का हिंदी अर्थ बताता हूँ, ताकि आप सही से हिंदी पढ़ना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना जल्दी से जल्दी सीख सकें। मेरी कहानियों में ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको डेली यूज में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। अगर आप मेरे साथ अगर जुड़ के अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ सीखिए। ठीक है, चलिए आज का जो कहानी है ये कहानी है डंकीज ब्रेन, कहने मतलब ये है कि गधे की दिमाग। यहाँ पर क्या है, कॉमा लगाया ऊपर, इसको प्लोस्टोफिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा, डंकी की दिमाग। ठीक है, यानी गधे की दिमाग, गधे की दिमाग, समझ में आइए ना। आज का जो कहानी है ये कहानी क्या है, गधे की दिमाग पर आधारित कहानी है। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे आखिर यहाँ पे गधे की दिमाग का बात क्यों किया गया है। ठीक है, क्या पता आपका भी दिमाग कुछ खुल जाए। ठीक है, यहाँ पे इन द फॉरेस्ट वंस लिव ए लायन। इन मीन्स क्या होता है, मैं होता है। ठीक है, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल। जंगल में वंस मीन्स होता है एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिव मीन्स क्या होता है, रहना था। लिव मीन्स क्या होता है, रहना, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ इसलिए क्या हो जाएगा, रहता है। ठीक है, इन ए मतलब क्या होता है, ए लायन मीन्स क्या, शेर। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, एक जंगल में एक शेर रहा करता था या फिर रहता था। ठीक है, ही हैड ए जैकॉल एज हिज पार्टनर, मतलब उसके यहाँ पे क्या होगा, थे का सेंस होगा, क्योंकि उसके पास एक क्या था, साथी था जिसका नाम क्या था, जैकॉल था। ठीक है, जैकॉल मीन्स क्या था, सियार। ए मीन्स क्या होता है, एक होता है। ठीक है, उसके मतलब उसके क्या था, एक साथी थे। ठीक है, हिज पार्टनर यानी उसका साथी, एज मतलब क्या था, जैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जो उसका साथी वो क्या था, यानी जो शेर का जो साथी था वो क्या था, जैकॉल था। ठीक है, हिज पार्टनर मतलब उसका उसका साथी, यानी किसका, शेर का साथी। अब देखिए यहाँ पे, दे बोथ यानी वे दोनों, बोथ मतलब क्या, साथ, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, वे दोनों हमेशा, वेंट मीन्स होता है जाते थे। अब यहाँ पे देखिए, गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, गो मीन्स क्या होता है, जाना, ये गो का क्या है, दूसरा फॉर्म है, यानी जाते थे। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, वे एक साथ जाते थे। फॉर हंटिंग, फॉर मीन्स होता है के लिए और हंटिंग मीन्स होता है शिकार, समझ में आ गया ना, यानी शिकार के लिए क्या करते थे, दोनों हमेशा एक साथ जाते थे, कौन, शेर और उसका पार्टनर कौन था, सियार। बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा, द लायन मीन्स क्या होता है, शेर, ऑलवेज मीन्स हो गया हमेशा। ठीक है, किल्ड मतलब क्या था, मारता था। ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, मारता था, क्यों, किल मीन्स होता है मारना, ये किल का क्या है, फर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए क्या था, मारता था। ठीक है, द एनिमल यानी जानवरों को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, जानवरों को। ठीक है, और द जैकॉल यानी सियार, गॉट मतलब क्या था, पाता था, गेट मीन्स होता है पाना, गेट का क्या, ये दूसरा रूप है इसलिए क्या, मिलता था या फिर उसे पाता था। हिज शेयर मतलब उसका, शेयर मतलब क्या था, हिस्सा, उसको हिस्सा मिलता था। फॉर मीन्स क्या था, के लिए, हेल्पिंग यानी मदद करने के लिए, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, यहाँ पे ING लगा है इसलिए क्या, मदद करने के लिए, मदद करने के लिए क्या, उसको अपना हिस्सा मिलता था, द लायन यानी शेर से। ठीक है, वन डे मीन्स होता है एक दिन, एक दिन होता है। द लायन फील सिक यानी शेर, फील सिक मतलब क्या था, बीमार पड़ना। ठीक है, बीमार पड़ गया,
यहाँ पे फील मिस होता है क्या, बीमार, यहाँ पे महसूस करना, या फील लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिक मतलब होता है बीमार, ठीक, फील सिक मतलब हो जाता है बीमार पड़ना। ही कुड मतलब हुआ, कुड नॉट मतलब क्या, नहीं सका, वह नहीं सकता। कैन मिस होता सकना, ये कैन का क्या है दूसरा रूप है, मतलब वह नहीं सकता था वह, या फिर वो नहीं सक मतलब वो नहीं कर सकता था क्या, गो आउट मतलब क्या था बाहर, वह बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन ही वाज मतलब हुआ था, वेरी मीन्स क्या होता है बहुत, हंगरी मतलब क्या था भूखा, लेकिन वह क्या बहुत भूखा था। अब देखिए यहाँ पे ही कॉल मतलब उसने, ही का हम लोग वह भी बुलाएंगे या फिर उसने भी बुलाएंगे, ठीक है। उसने कॉल मीन्स होता है पुकारना या फिर बुलाना, यहाँ पे ईडी लगाया हुआ है, ठीक है, कॉल मीन्स क्या होता है पुकारना या फिर बुलाना, समझ में आया ना, यहाँ पे ईडी लगाया इसलिए मतलब क्या बुलाया, द जैकॉलिन सीआर को, उसने क्या किया सीआर को बुलाया, और एंड मीन्स होता है और ही सेड मतलब उसने कहा, सेड मीन्स क्या होता है कहा, से मीन्स होता है कहना, एक से का क्या दूसरा रूप है इसलिए क्या हो जाएगा कहा, ओ फ्रेंड मतलब हे दोस्त, ओ फ्रेंड का मतलब क्या होता है हे दोस्त, आई एम हंगरी, आई मीन्स क्या होता है मैं, एम मतलब क्या होता है हूँ, हंगरी मतलब क्या भूखा, मैं भूखा हूँ, ठीक है, बट मीन्स होता है लेकिन, आई एम टू सीक मैं, एम मतलब होता है हूँ, आ टू मतलब क्या होता है बहुत, सीक मतलब क्या होता है बीमार, टू हंट मतलब शिकार, ठीक है, मैं शिकार करने के लिए क्या मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक है, मैं इससे शिकार नहीं हो पाएगा, सेंस समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद यू मतलब आप हैव टू हेल्प, यहाँ पे देखिए हैव टू लगाया ना, यहाँ पे क्या मतलब करना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, हैव टू लग गया कहीं तो वहाँ पे क्या होगा मतलब वो करना पड़ेगा, ठीक है, हेल्प मीन्स क्या था मदद, ठीक है, मी मुझे या फिर मेरी, तुम्हें आपको मेरी मदद करना पड़ेगा, बाय मतलब क्या था द्वारा, ठीक है, कलेक्टिव मीन्स क्या होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना होगा, सम फूड मतलब क्या होता है कुछ, फूड मीन्स क्या होता है खाना, समझ में, यानी आपको मेरे लिए क्या कुछ खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। द जैकॉल यानी सीआर, ठीक है, वांट वेंट आउट मतलब क्या निकल पड़ा, निकल गया या फिर निकल पड़ा, कहाँ निकल गया, ठीक है, मतलब वहाँ से वो निकल गया, ठीक है, सर्च मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना, द प्रे मतलब शिकार, समझ में, प्रेम इसका होता है शिकार, यानी शिकार ढूंढने के लिए क्या वजह काल निकल गया, ही मतलब होता है हुआ, फॉर्म इस होता है पाया, ये डंकी मतलब होता है एक गधा, एक गधा, ठीक है, एट लास्ट मीन्स होता है आखिरकार, आखिरकार, आखिरकार क्या किया एक गधा पाया। द जैकॉल सेड यानी जो सियार है कहा, क्या कहता है टू डंकी यानी गधे को, गधे को कहता है, यहाँ पे टू लगा है इसलिए क्या गधे को कह रहा है, क्या कह रहा है, हेलो श्रीय, हेलो सर मतलब क्या था नमस्कार, हेलो मीन्स क्या था नमस्कार, सर मतलब क्या था श्रीमान, नमस्कार श्रीमान, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी राजा, ऑफ मीन्स क्या था का, फॉरेस्ट मीन्स क्या था जंगल, ठीक है, जंगल का राजा, वांट मतलब क्या होता है चाहता, चाहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एस लगा है इसलिए क्या गया यहाँ पे क्या हो जाएगा भारो का दूसरा, भारो का क्या है एस लग गया ना, ये भारो का क्या है फोर्थ फॉर्म है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब जंगल का राजा चाहता है मीट यू मतलब आपसे मिलना, मीट मीन्स क्या होता है मिलना, और यू मीन्स क्या होता है आपसे, जंगल का राजा आपसे मिलना चाहता है, मेक यू हीज मिनिस्टर, मेक मीन्स क्या था बनाना,
ठीक है। यू मतलब क्या था आपको, ही मीन्स क्या होता है अपना, मिनिस्टर मीन्स क्या होता है मंत्री, ठीक है। आपको अपना मिनिस्टर बनाना चाहता है, ठीक है। हीज मतलब क्या था, ऑफ मीन्स क्या हो गया, हीज कोर्ट मतलब क्या था अपने, कोर्ट मतलब क्या होगा दरबार, ठीक है। अपने उसने उसके दरबार का अपना क्या था मिनिस्टर का मतलब मंत्री बनाना चाहता है, ये हो गया सेंस, ठीक है। द फूलिश डंकी यानी मूर्ख गधा, मूर्ख गधा था ऐसा, ठीक है। मूर्ख गधा क्या ऐसा ही था, हैप्पी मतलब क्या था खुशी, खुशी से दैट मीन्स क्या होता है कि खुशी हुई कि ही कुड नॉट इमेजिन, वह कैन नॉट मतलब क्या था नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे कुड नॉट में क्या होता है नहीं सका, सका नॉट मीन्स क्या था नहीं, ठीक है। इमेजिन मीन्स क्या था कल्पना, कल्पना कल्पना कर क्या नहीं सका। ऑफ द प्लॉट मतलब का, प्लॉट मीन्स क्या होता है जो कथन कहा है, ठीक है, कथनात्मक, ठीक है, जो कथन कहा है, ठीक है, उसका मतलब जो बोला ना कि आपको राजा बना जाएगा, बनाया जाएगा दरबार का मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है, वो नहीं, उसका कल्पना ये नहीं कर पाया। ही फेलो मतलब हुआ, फेलो मिस होता है, फ्लोट मिस क्या होता है पीछा करना, ठीक है। वह पीछा किया, ठीक है, द जैकल यानी सिका सियार, सियार का क्या किया पीछा किया। द लायन किल्ड यानी शेर, किल्ड मिस क्या था मार डाला, ठीक है, या फिर मारा उसे। द डंकी यानी गधे को, ठीक है, गधे को क्या किया मार डाला। लेकिन बिफोर ईटिंग, बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, ईटिंग मीन्स क्या होता है खाने, लेकिन खाने से पहले ही फील्ड सो थर्स्टी मतलब उसे, थर्स्टी मीन्स क्या होता है प्यास, ठीक है। सो मीन्स क्या होता है बहुत, फील्ड मतलब क्या होता है लगना या फिर महसूस होना। लेकिन उसे क्या हुआ बहुत प्यास लगा। द लायन टोल्ड द जैकाल यानी शेर, टोल्ड मीन्स क्या था कहा, द जैकाल यानी शिकार, सियार को, सियार को कहा शेर ने, ठीक है। क्या कहता है यहाँ पे, टेक केयर ऑफ द डंकी मतलब, टेक केयर मतलब क्या था ध्यान रखना, ठीक है। और मतलब होता है का डंकी मीन्स क्या गधा, ठीक है, क्या बोला कि गधे को, गधे का ध्यान रखना। अब आगे देखिए क्या होता है, आई विल रिटर्न, मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा गागी का सेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे विल या सेल अगर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा गायागी का सेंस होगा। रिटर्न मतलब क्या होता है वापस आना, ठीक है, मैं वापस आऊँगा। इन मतलब क्या था मैं, नो टाइम मतलब क्या था कुछ समय, याद रखिएगा नो टाइम का मतलब होता है कुछ समय, मैं कुछ समय में वापस आऊँगा, ठीक है। वैन मतलब जब, ही जब द लायन लेफ्ट यानी शेर निकला, कहाँ से निकला वहाँ अपने जगह से निकला, ठीक है, लायन तब, द जैकल मतलब, द जैकल मतलब सियार, बिगन मतलब क्या था शुरू किया, टू ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। सियार देखिए यहाँ पे जैसे शेर निकला वहाँ से तो सियार क्या क्या शुरू किया, द ब्रेन मतलब दिमाग, और मतलब देखिए का और डंकी मतलब क्या था गधा, ठीक है, गधे का दिमाग खाना क्या किया शुरू किया। ऑन रिटर्निंग मतलब होता है वापस आने पर, ठीक है, वापस आने पर ही फाउंड उसने पाया, द डंकीज ब्रेन यानी गधे की दिमाग, गधा का दिमाग, ठीक है। मिसिंग मतलब क्या था गायब था, मतलब क्या था गधे का दिमाग क्या था गायब था। ही आस्क्ड उसने कहा, उसने कहा द जैकल यानी सियार से, उसने कहा सियार से, वेयर इज द डंकीज ब्रेन, वेयर मीन्स क्या था कहाँ, इनमें से है डंकी मतलब क्या था गधा,
गधे की दिमाग, ठीक है, क्या कहता है कि कहाँ है गधे की दिमाग। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे है द जैकॉल, मतलब होता है सियार। एंसर टाइमडली, मतलब क्या उत्तर दिया टाइमडली, मतलब होता है डरते डरते, डरते डरते क्या किया, उत्तर दिया। इफ ही हैड ए ब्रेन, यदि ही मतलब क्या उसके पास, ठीक है, ही हैड मतलब क्या होता है उसके पास ए ब्रेन दिमाग होता, गुड मतलब क्या होता है अगर होता, ही हैव ही मतलब क्या, तो वह हैव मतलब क्या होता है, हैव कम हेयर, कम मतलब क्या था आना, हेयर मतलब क्या था यहाँ बोल रहे हैं, यदि अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या वो यहाँ पे आता। अब यहाँ पे देखिए इसका मोरल यानी नैतिक समझिए, ये स्मॉल थॉट यानी एक छोटी विचार से मतलब क्या था बचा सकता है, बचा सकता है ए लॉट मतलब क्या था बहुत कुछ, समझ में आया ना, इसलिए हमेशा दिमाग का काम लेना चाहिए। इस वीडियो में ये था, फिल्म तक अगली वीडियो में, थैंक यू।